अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की रेसिपी है शिमला मिर्च कीमा, जिसके लिए मैंने पाव कीमा लिया है, आधा किलो शिमला मिर्च ली है, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 बड़े टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून के बराबर खड़ा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, या साबुत हो तो साबुत ही डाल दें। आइए हम तैयार करते हैं। जिसके लिए मैंने आधा कप घी लिया है, गरम हो रहा है, इसमें हम खड़ा गरम मसाला डाल के फ्राई करते हैं। घी गरम हो गया है, अब गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर दिए और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है, अब इसमें कीमा ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। देखिए कीमा अच्छे से भून गया है। अब इसमें टमाटर, लहसुन अदरक, मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के मैं 15 मिनट के लिए कुकर बंद कर दूँगी। 15 मिनट में कीमा गल गया है। अब इसको टमाटर और ये लहसुन वगैरह को सबको पीस लेंगे और कीमा को अच्छे से भून लेंगे। तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। आधा गिलास पानी ऐड करूंगी और 5 मिनट के लिए कुकर बंद कर दूंगी। देखें शिमला मिर्च कीमा बिल्कुल तैयार है। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। आज की रेसिपी हमारी तैयार है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।